गुड मॉर्निंग गाइस, आप सब कैसे हो? आप सब अच्छे हो? माताएं सबको अच्छा रखें। तो गाइस मैं बनाने जा रही हूँ आज छोले, जो कि उन्हें बोला था माँ छोले बना देना मैं लंच में, मैं लंच में छोले लेके जाऊँगा, छोले और चावल। तो मैंने ठीक है बना देंगे। तो मैं सुबह उठ गई हूँ और जल्दी 4:30 बजे उठी, झाड़ू पोछा किया, सब कुछ काम किया, फिर उसके बाद आ गई किचन में। किचन में अपना डेली का भी काम रहता है, सब कहीं रहता है, हर लेडीज का रहता है। तो मैं यहाँ पे छोले रखने जा रही हूँ उबलने के लिए। छोले हमने रात को फूलने के लिए रख दिए थे, तो अब इसको उबाल लेते। फिर मैं इसमें नमक डालूँगी और थोड़ा सा हल्का सा सोडा डालूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही डालूँगी सोडा, जिससे फूल जाए जल्दी। और क्योंकि वो फूले नहीं थे, हमने रात पानी उसे कम डाल पाई थी फूलने के लिए, तो वो पानी सूख गया था, तो मैंने कहा चलो सोडा डाल देते फूल जाएगा। तो मैंने इसमें अब डालेंगे नमक, तो मैंने ये नमक डाल दिया और अब इसमें सोडा डालेंगे। अब सोडा मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ रखा, मैं दोस्त देख रही हूँ। तो आखिर मुझे दिख गया सोडा, हमने कहा चलो ये डिब्बा रहा इसी में है सोडा, तो मैंने चलो डाल देते हैं थोड़ा सा सोडा। तो मैं छोले रख के कुकर में, फिर उसके बाद उसका टाइम टेबल का भी लगाना है मुझे टाइम टेबल से, तो मैंने सोचा चलो छोले रख देते हैं, फिर उसके बाद टाइम टेबल भी लगा देंगे उसका, और फिर तब छोले उबल जाएंगे, फिर आके यहाँ पे बना लेंगे आके। तो मैं कुकर धुल रही हूँ क्योंकि मैं हर बर्तन धुलना ज़रूरी समझती हूँ। मैं धुल जो कुछ बर्तन धुले भी होंगे तो अभी मैं धुलूँगी दोबारा, पानी से ऐसे धुल लेती हूँ। और ये मैंने रख दिए छोले, अब मैं चलती हूँ यूग का टाइम टेबल लगा देती हूँ। मैं आगे यहाँ पे छोले देखने के उबल गए कि नहीं, तो मैंने मम्मी से गैस का, मम्मी गैस बंद कर देना, तो मैंने गैस बंद कर दी। तो मैं देखने आई छोले उबले कि नहीं, तो लेकिन छोले अभी कच्चे हैं आधे, तो मैंने चलो और सीटी लगा देती हूँ तो उससे पक जाएंगे। फिर हमने चलो तब तक मैं टमाटर पीस लेती हूँ, और मैं इसमें प्याज तो नहीं पीसूँगी क्योंकि नवरात्रि चल रही है और प्याज मैं बिल्कुल नहीं खा रही हूँ नवरात्रि तक। तो मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्च पीस लूँगी, पेस्ट बना लूँगी, और तो मैं बिना प्याज के आज छोले बनाऊँगी क्योंकि प्याज ही नहीं खा सकते। तो देखते हैं बिना प्याज के छोले वैसे अच्छे लगते, टेस्ट अच्छा लगता है बिना प्याज के छोले भी। तो बहुत से लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, बहुत से लोग भी खाते हैं ना ऐसी सब्ज़ी, तो अच्छी बनती है सब्ज़ी। तो मैं इसमें पहले हमने धनिया निकाल रख दी थी, धनिया बाद में काट लेंगे डालने के लिए। तो मैंने पहले मिर्च की डाढ़ी तोड़ रही हूँ और फिर उसके बाद टमाटर काटूंगी और फिर टमाटर और प्याज पीस लूँगी। तो जल्दी कर लेते हैं, मैं तो टमाटर धुल लेती हूँ, हरी मिर्च और टमाटर धुल लेती हूँ दोनों चीज़ें हैं। अब इसमें हमने डाल देंगे हरी मिर्च डालेंगे और फिर टमाटर काट के डाल देंगे। ऐसे यहाँ पे मैं देख रही सीटी आ जाए, तो मैंने देखा सीटी तो आ नहीं रही थी, मैंने चुका के देखा तो आ गई। और अब मैं जितने बर्तन डाले थे हमने ये भी धुल देते हैं बर्तन, फिर उसके बाद तब तक छोले उबल जाएंगे। तो यहाँ मम्मी पूजा के बर्तन लेके आई हैं, तो अब पूजा के बर्तन मम्मी धुलेंगी क्योंकि हम बिना नहाए बर्तन नहीं धुल सकते पूजा के। हाँ तो मैं नहा के सब लोग जो कि नहा ले पहले तो वो धुल देता है बर्तन। तो अब मैं ऐसे बर्तन हमने बर्तन धुल लेते, फिर तुम आके बर्तन धुल लेना पूजा के। तो अब मैं वैसे सारा मेरा काम हो गया, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया, फिर उसके बाद नहीं चलो हमने मम्मी इसकी मम्मी गैस बंद कर दो, छोले उबल गए होंगे। अब मम्मी यहाँ पे डोलची धुलने आए, मम्मी को दूध लेने जाना है क्योंकि दूध का भी टाइम हो रहा है, करीब वो 6 बज गए या 6 बज गए होंगे, मैंने टाइम नहीं देखा इतना, लेकिन क्योंकि अपने काम में मैं व्यस्त हूँ इसलिए वजह से। तो मैंने अब मम्मी जा रही दूध लेने और मैं जल्दी इतने बर्तन धुल लेती हूँ, फिर उसके बाद तो छोले उबल गए हैं। तो उसके बाद पानी मेरा अभी भी गर्म हो रहा है, हमने खोल जा खूब पानी, बिल्कुल सब्जी बने आए ना, और तो मैंने कि जल्दी खोल जा तो उसकी जल्दी हमें आसान लगेगी सब्ज़ी बनाने में, कोई हमें दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा टाइम नहीं भी लगेगा, जितना हम टाइम इसमें लगाते उतना टाइम उसमें लगेगा, तो इससे अच्छा जेम लग कर लो तो बढ़िया जल्दी बन जाएगी। तो मैंने अब इतने बर्तन लगा देते हैं, बर्तन धुल लिए इतने, और ये लगा देते हैं स्टैंड में, और तो आप जल्दी कर लेते हैं फिर। तब तक छोले तो उबल गए हैं, अब मैं छोले को निकाल लेती हूँ बाहर और प्लेट में, फिर उसके बाद मैं कढ़ाई रखूँगी और कढ़ाई में धुल लेती हूँ पहले, और फिर उसको गैस पे रखूँगी, फिर तब तक पानी सूखेगा इसमें, इसका कढ़ाई का पानी सूखेगा तब तक मेरे छोले निकालूँगी, और फिर उसके बाद जो फिर इसमें तेल डालूँगी, जीरा डालूँगी, जो भी मतलब कि बिना प्याज के छोले बन रहे हैं ना, तो मैं पहले मसाला निकाल लेती हूँ, हल्दी पाउडर निकाल लिया, फिर उसके बाद धनिया पाउडर निकालूँगी। और तो मैं धनिया पाउडर देख रही हूँ कहाँ रख दी डिब्बा, तो मैं धनिया पाउडर मिल गया, धनिया पाउडर निकालूँगी। मैं इसमें 4 चम्मच डाल के रखती हूँ कि आसान रहता है, चम्मच ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसी में डल रही है।
और ये मैंने लाल मिर्च पाउडर निकाल लिया, और ये मेरा मतलब कि कश्मीरी मिर्च है तो मैंने थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च ले ली है क्योंकि इससे कलर आ जाता है, अच्छा रहता है, तो मैंने कश्मीरी मिर्च ले ली है। और अब मैं इसमें मसाले निकाले, कढ़ाई तब तक पानी सूख रहा है तो मैंने नमक भी ले लिया। नमक मैं कम ही डालूँगी क्योंकि क्योंकि छोले में नमक डला है पहले ही से, तो इसलिए मैं कम डालूँगी। और कढ़ाई में पानी सूख गया, मैं इसमें तेल डाल दूँगी और तेल तब तक गर्म हो जाए, फिर उसके बाद जीरा डालूँगी। तेल मुझे ज़्यादा लग रहा था, मैंने कि प्याज तो है नहीं है तो इसको कम कर लेते हैं, और प्याज होता है तो ज़्यादा तेल डलता है, तो हमने प्याज है नहीं तो इतना ही डालेंगे थोड़ा, कि ज़्यादा तेल तेल भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमने तब तक तेल गर्म हो रहा है तो मैं छोले निकाल लेती हूँ। ये मैंने सब रेडी करके रख दिया, पानी मसाला घोर के भी रख लिया, कोई हाल जल्दी छोंक देंगे तो मैं वही कर रही हूँ जल्दी से। और तब तक तेल हमने चिमचा से नहीं बनेंगे, कंचली ले लेते हैं। तो ये मैं यहाँ पे छोले निकाल लेती हूँ प्लेट में एक है, तो मैं प्लेट ले और ये छोले निकाल लिए मैंने, और इधर से मैं देखती हूँ तेल गर्म होता जाए और जल्दी से मैं निकाल लूँ छोले। और इधर तेल भी देख रही थी गर्म होने, और मेरी चुन्नी देखो कैसी लगी है, देखो दुपट्टे पे चिपकी है, बाल में क्लेचर लगाए उसी के ऊपर रखी है, और मैंने ओढ़ी तो ध्यान भी नहीं दिया, जल्दी जल्दी में कुछ ध्यान नहीं दे रहे, जल्द काम करो, जितनी जल्दी हो सके काम कर लो उतने ही सही रहता है। तो मैं जल्दी जल्दी भी कर रही हूँ, हमने जल्दी हो जाए। और तो मैंने यहाँ तेल गर्म भी हो गया मेरा, और मैं इसमें अब जीरा डालूँ क्योंकि ये पानी से मैं निकाला, तो हमने कि कोई पानी तेल में गया तो छिटके आएंगे और जल जाएंगे हम, तो मैंने ये कागज़ से पोंछ लिया कंजली को। और अब मैं इसमें जीरा डालूँगी, फिर उसके बाद जो मैंने पेस्ट बनाया था वो डालूँगी। तो मैंने जीरा भुन जाए फिर उसके बाद ये डालूँगी पेस्ट, ये पहले मैंने मसाला डाला फिर उसके बाद पेस्ट डालूँगी क्योंकि मसाला पहले डाल दिया। और तो मैं सोचा ही था कि पहले वो पेस्ट डालेंगे, तो नहीं नहीं पहले हमने कि जब मसाला डाल दें तो उसके बाद पेस्ट डालेंगे तो नहीं सही रहेगा, तो मैंने चेंज कर दी मैंने कि पहले मसाला डाल देते हैं। अब मसाला भुन गया है तो अब ये मेरा जो पेस्ट बनाया था इसको डाल दूँगी, हमने थोड़ा और भुन जाए फिर उसके बाद डालूँगी। तथा तो ये पानी भी गर्म हो गया, अब मैंने यहाँ कुकर भी धुल रही हूँ, मैं जल्दी जल्दी सब काम कर रही हूँ, मैं गैस खाली नहीं छोड़ रही हूँ बिल्कुल। तो यहाँ मैंने कुकर भी धुल के रख, तो मैंने सोचा एक तरफ सब चूल्हा खाली है तो इतना एक साइड चावल भी चढ़ा देंगे, तो मैंने कुकर रख दिया है और यहाँ मसाला भी मेरे भुंज रहा है। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ जीरा चावल, जो मैंने कि सादा चावल नहीं बनाएंगे, जीरा चावल बना देंगे। तो मैं इसमें अभी हमने पानी सूख जाए फिर उसके घी डालेंगे, घी और जीरा। और मैं तब तक चावल निकाले, तब तक पानी सूख रहा तब मैं चावल निकाल लेती हूँ। हमने मसाला भी चला दिया, हमने मसाला भी चला के देख लिया भुंज रहा, मसाला भुंज रहा है, फिर उसके चावल में निकालने के हमने निकाल लेते हैं। और चावल ये बिनने के लिए नहीं है बिल्कुल भी, इसमें कुछ नहीं है तिनका, बिल्कुल साफ चावल है, मैं देखे भी है इसमें कोई भी तिनका नहीं है, मैंने फटक के भी देख लिया, सब कुछ करके देख लिया है, तो मैंने इसमें कुछ नहीं है। तो अब इसमें मैं टमाटर मैंने डाल दिया है क्योंकि मसाला भुंज गया था, तो अब इसमें टमाटर डाल देते हैं। तथा ये टमाटर भुंज रहा है तथा मैं चावल धुल लेंगी, तो ये टमाटर भुन जाए तो मैं थोड़ा सा इसमें मैं हल्के बर्तन धुलती जा रही हूँ, बिल्कुल भी बर्तन नहीं छोड़ रही हूँ, जो भी बर्तन मिलता मैं हल्के धुल देती हूँ। ये भी मेला मिक्सी का जार मिला वो भी धुल देती हूँ, ये भी धुल के रख देती हूँ। तब तक मसाला भुंज रहा है तो मैं ये भी धुल देती हूँ। अभी चार जितनी भी दो कटोरी हो चाहे तीन कटोरी वो भी धुल के जाती धुल लेती हूँ, किचन जब तक हो तब तक बर्तन धुल के ही रहूँगी, जहाँ बाहर निकलो चाहे एक हो जाए तो दो हो जाए भाई इकट्ठी धुलती हूँ फिर मैं। तो मैंने यहाँ पे इसे धुल के रख दिए हैं और जब तक मसाला भुंज रहा है तो हम चावल धुल लेते हैं। मैंने चावल वो मसाला चला दिया हमने, चलो अब चावल धुल लेंगे। इधर तो मैंने कुकर भी देखा, कुकर में अभी पानी सूख गया है तो मैंने फुल कर दी गैस, तो मसाला भुंज गया है और मैं इसमें अब छोले डालूँगी। तो मैं इसमें मैंने छोले डाल दिए, उधर मेरे वो चावल के लिए रेडी हो रहे हैं, कुकर भी गर्म हो रहा है, उसमें ने पानी सूख गया तो उसमें मैंने घी भी डाल दिया था और जीरा भी, अभी जीरा नहीं डालना नहीं तो घी गर्म हो जाए, उसके बाद जीरा डालेंगे। तो मैंने ये पानी जो गर्म किया था अब ये ही डाल देंगे इसमें, हम थोड़ा डाल रहे हैं पानी, हमने ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ज़्यादा गाढ़ापन भी चाहिए हमें थोड़ा छोले में, और ज़्यादा पतला भी अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने पानी कम ही डाला, हमने पक गया। अब इसको ढाँक देंगे और मैंने इसको ढाँक के रख दिया। अब इसमें मैं ध्यान घी डालूँगी, पहले कुकर गर्म हो गया तो मैं इसमें घी डालूँगी, पहले चावल धुल लेती हूँ मैं पूरा चेक करी चावल बिल्कुल भी इसमें कुछ रहे ना, तो मैंने चावल भी धुल लिए हैं
और इधर मैंने घी भी डालना है। अभी घी नहीं है, कुकर मैंने बंद कर दिया, गैस घर ज़्यादा गर्म हो गया था तो मैंने कुकर बंद कर दिया। अपनी बाद में जलाएंगे जब चावल धुल लेंगे। तो मैंने यहाँ चावल में दो चार पानी, मतलब दो बार दो तीन बार तो धुलती हूँ जब तक पानी सफ़ेद ना हो जाए, कि जिसका जो पाउडर निकलता है वो तो सफ़ेद ही निकलता रहता है, वो बिल्कुल सामने चावल ना दिखने लगे, तो तब करती रहती हूँ। तो मैंने घी डाल दिया है और घी गर्म हो गया। अब मैं इसमें जीरा डालूंगी और फिर जीरा डालने के बाद मैं इसमें चावल डाल दूंगी। चावल बने तो एक तरह छोले बन रहे, एक तरह चावल में, तो तब जा के लिए प्रेस कर लेती हूँ। तो मैं युग के अब ड्रेस में प्रेस कर लेती हूँ। अपना कुर्ता भी और सलवार लेके आ गई, कि मैंने किसी युग की ड्रेस करी तो अपने भी सूट में कर लूँगी, क्योंकि मुझे पहनना भी है। तो मैं अपने की प्रेस तो गर्म हो ही रही, तो जल्दी जल्दी ये भी कर लूँगी, अपना भी कर लूँगी। तो चलो कर लेते हैं युग की ड्रेस और प्रेस। तो मैं यहाँ पे युग के लिए मखाने तलने जा रही हूँ, क्योंकि छोले चावल वो खा के नहीं जाएगा, लेके ही जाएगा, बोला हम खाएंगे नहीं, हम लेके जाएंगे। तो यहाँ मैं तल देती हूँ मखाने, अपने दूध और मखाने खा लेगा तो इसको कुछ तो खा के जाए, ये खा के ही नहीं जाता कभी भी घर से कुछ भी। मैं ज़बरदस्ती इसे खिलाऊँगी, नहीं खा के जाना बाबू, आपको मखाने पसंद है तो आप खा जाना। तो नहीं ठीक है, आप मखाने तल देना तो मैं खा लूँगा। और मैंने युग को नहला भी दिया और युग भी तैयार है बिल्कुल। तो मैं इसको युग को नाश्ता दे देती हूँ। और एक तो मैंने कि दूध ये ठंडा ही पीता है, गर्म नहीं पीता, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा इसको गर्म कर देंगे तो पी लेगा। और मैं मखाने तो यहाँ मैं दूध निकाल रही हूँ और दूध गर्म कर लेती हूँ। कच्चा दूध गर्म करने में बहुत टाइम लगे, उसको खोलाओ फिर उसको गर्म करो ठंडा करो, मतलब कि तो ये हल्का गर्म कर देती हूँ और पी भी लेगा। और मैं युग की डायरी भी देखने जा रही थी, क्योंकि युग ने बोला माँ साइन कर देना, मैम ने बोला था कि माँ से डायरी में साइन करवा लेना, तो वही डायरी लेके आई, यानी कि चलो साइन भी कर देंगे इसका। और इधर मैं दूध गर्मी भूल गई थी, हमने दूध रखा है गैस पे तो देखे जाके, और ये मैंने देख रही थी और मुझे साइन भी, हमने पेन तो है नहीं है तो बाद में करती हूँ मैं साइन है, तो जब तक तो नाश्ता करेगा तब तो मैं साइन कर दूँगी हाल ही। तो गैस अब मैं युग को छोड़ के आ गई हूँ और काम सब हो गया, बर्तन रह गए, बर्तन भी धुल के रख दिए, सारे बर्तन धुल गए मेरे। अब मैं जा रही हूँ नहाने, सुबह जल्दी उठी थी क्योंकि युग का मन था बहुत छोटे चावल ले जाने का। तो सुबह 5 बजे उठी थी मैं जल्दी, मैंने अलार्म लगा लिया, जल्दी लेट हो गई थी तो मैंने कि 5 बजे आपको 4:30 बजे लगाया था अलार्म, 5 बजे आपके लिए। और फिर जल्दी जल्दी की यहाँ पर झाड़ू लगाई, फिर मैंने छोड़े रख दिए थे आलू। तो चलते हैं फिर आपसे मिलते हैं, नहा लेते हैं फिर मिलते हैं सबसे। तो गाइस पूजा कर ली है और मंदिर से मैं होकर आ गई, अब मैं चाय पीने जा रही हूँ, तो आप सब भी आ जाइए चाय पी लीजिए आके। तो फिर मिलते हैं और आप सब बने रहे, मुझे सपोर्ट करते रहे जैसे अभी तक कर रहे हो। और आज भगवान जी क्या दूंगी, मेरा भोग लग रहा था आज, शहद लगना था, शहद का भोग था तो मैंने शहद का ही लगाया आज। और किशमिश थी तो मैंने शहद और किशमिश, मतलब कि पहले शहद का लगाया फिर किशमिश का, तो वैसे शहद का ही भोग था आज। मैं इस मामले की भोग लगाती हूँ, किसमें से बता से सब कहीं लगाती हूँ मैं। और चलो नाश्ता कर लेते हैं फिर मिलते हैं आप सबसे थोड़ी देर के बाद। तो गाइस अब मैं खाना खा लेती हूँ और आप सब भी आ जाइए खाना खा लीजिए, खाना में है छोले चावल, तो आप सब भी आ जाइए और फिर मिलते हैं आप सबसे। और युग भी स्कूल से आ गए हैं और युग अपना वर्क कर रहे हैं, पहले खाना खा रहे हैं।